हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2022-23 के लिए, यहाँ पर जो आपको पुस्तक मिली हुई है लर्निंग आउटकम गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के नाम से भी आपको ये पुस्तक मिली हुई है कक्षा 7 वालों का। यहाँ पर देखने वाले हैं विषय अंग्रेजी का पूरा हल इस वीडियो में। तो पेज नंबर इसमें देखने वाले हैं 70 से लेकर 73, यहाँ पर 70 से लेकर 71 तक के पूरे हल देखने वाले हैं। यदि आपने पिछले वाले पीडियो का आंसर नहीं देखा है, यानी पीडीएफ आपको नहीं मिले हैं यानी आंसर नहीं मिला है, तो आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उन पर क्लिक करके सभी वीडियो को एक साथ में देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्ले कर देना है, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है रीड द वर्ड्स विच, यहाँ पर विच हैव साइलेंट लेटर इन द बिगनिंग साइलेंट लेटर, यानी जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें से हमें साइलेंट वर्ड को यहाँ पर छांटना है और इनको अंडरलाइन करना है। तो देखिए पहले वाले में मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ, तो आप अंडरलाइन करते चलिए। तो ये आपके शब्द दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पर जो साइलेंट लेटर है उसका हमें यहाँ पर उसे अंडरलाइन करना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखा लेंगे। तो पहला वाले में हमारा जो साइलेंट हो जाएगा वर्ड, मैं उसे यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो जो हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर इनके बगल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो जो आपका यहाँ पर साइलेंट है उसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो पहले वाले में क्या है आपका के साइलेंट है, दूसरे वाले में आपका क्या साइलेंट है डब्लू, तीसरे वाले में भी आपका के साइलेंट, और चौथे वाले में आपका क्या साइलेंट हो जाएगा एच। इसके बाद नीचे वाले में आपका एच साइलेंट हो जाएगा, इस वाले में आपका के साइलेंट है, इस वाले में आपका क्या साइलेंट है डब्लू, इसमें क्या साइलेंट हो जाएगा आपका के। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये साइलेंट वर्ड हैं आपके, इन्हीं को आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है। यानी पहले वाले में आपको कौन सा वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर के, इसमें डब्लू, और यहाँ पर के, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर के, यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर के। तो ये वर्ड आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेने हैं, तो यही आपके ये आंसर हो जाएंगे, ये साइलेंट वर्ड है हमारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें अभी देखेंगे आप अच्छे से, तो इसमें लिखा है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल साइलेंट लेटर। तो यहाँ पर साइलेंट लेटर को यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है, जो भी आपको यहाँ पर साइलेंट लेटर हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से साइलेंट लेटर हैं जो आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहले वाले में हमको यहाँ पर जो भरना है उसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या भरना है। तो इसमें भरेंगे, पहले में आपको भरना है यहाँ पर, तो क्या है आपका यहाँ पर लिखा है नूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपको दिख रहा होगा आंसर, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अच्छे से। इसके बाद अगला लिखेंगे, इस वाले में देख लीजिए दूसरे वाले में आपको क्या भरना है, दूसरे वाले में भरना है आपको एच, ठीक है। और तीसरे वाले में आपको यहाँ पर क्या भरना है डब्ल्यू, यानी राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथे वाले में आपको क्या भरना है यहाँ पर, तो रॉन्ग बना देंगे, डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग की स्पेलिंग हो जाएगी। और पांचवे वाले में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एच ई आई आर, एयर, एयर यानी होता है उत्तराधिकारी, इसमें भरेंगे आप यहाँ पर। तो लास्ट वाले में भरेंगे रिंकल, यानी डब्ल्यू आर आई एन के एल ई। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर आंसर। और इस वाले में आपको क्या भरना है यहाँ पर के एन के आई, ठीक है, यहाँ पर के आई एन ओ पी। तो यहाँ पर ये दो वर्ड भरने इसमें, तो यहाँ पर ये देख लीजिए अच्छे से, इनको आंसर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर के एन आई, यहाँ पर के आई, इसमें एच, इसमें डब्लू, इसमें डब्लू, इसमें एच, और इसमें डब्लू, यही आपको यहाँ पर भर लेना है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब नीचे वाला देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। तो अगले वाले में हमें यहाँ पर क्या करना है इसको देख लेते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें लिखा है राइट द वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर इन द मिडिल, यानी जो शब्द दिए गए हैं इनमें बीच में साइलेंट लेटर है आपको, उनको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा साइलेंट लेटर है आपका, यानी बिना उच्चारण करने वाला वर्ड है उसे हमें अंडरलाइन करना है। तो पहले में आपको यहाँ पर पहले का जो यहाँ पर लिखा है फास्ट टेन बोलते हैं इसे, तो टी साइलेंट रहेगा, तो आपको पहले के नीचे यहाँ पर टी पर साइलेंट है, तो पहले वाले में हमको टी पर लगाना है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद इसमें क्या है आपका, तो इसको यहाँ पर एच पर लिख देंगे ऐसे, इसमें एच साइलेंट है, तो अच्छे से लगाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं थोड़े जूम कर लेता हूँ इसको, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसमें हमें क्या है यहाँ पर टी के नीचे लाइन खींचनी है, और यहाँ पर इसमें एच के नीचे,
यहाँ इसके बाद आ जाएगा डी के नीचे, यहाँ पर डी के नीचे खींच देंगे। इसके बाद आपका इसमें मैच पढ़ते हैं इसे तो टी नहीं आता है, तो यहाँ पर टी के नीचे खींच देंगे मैच। इसके बाद इसमें डेप्ट लिखा है तो इसे डेट पढ़ते हैं तो इसमें बी के नीचे लाइन खींच देंगे। इसमें पाम पढ़ते हैं तो एल के नीचे, इसे बॉक पढ़ते हैं तो इसमें भी एल साइलेंट होगा आपका। इसके बाद इसमें भी एल साइलेंट होगा, इसमें भी एल साइलेंट होगा और इसमें आपकी जी साइलेंट होगी। तो आपको जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है इसी प्रकार से आपको अंडरलाइन कर लेना है, जिस प्रकार से कि यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमें क्या करना है यहाँ पर। तो इसमें दिया है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सूल, यहाँ पर जो साइलेंट वर्ड हैं उनको यहाँ पर भरना है। ऑप्शन में हमारा दिया है ए एल जी टी डी, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, तो ये वाला दिया गया है आपको यहाँ पर भरना है ए एल जी टी डी, तो इनको भरना है हमें, इनमें से ही आपको यहाँ पर भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये काफ लिखा हुआ है तो काफ का यहाँ पर आपको भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ए सी ए एल एफ एस ओ यू एल डी, तो यहाँ पर एल भरेंगे तो यहाँ पर एल लिखा है। इसके बाद फॉरेन एफ ओ आर ई आई जी एन फॉरेन हो जाएगा, इसमें क्या है साइन एस आई जी एन साइन हो जाएगा, इसमें हम भरेंगे एल यानी सी ओ यू एल डी कोड, और यहाँ पर भरेंगे हम लिसन एल आई एस टी ई एन लिसन, इसे भरेंगे ऑफ टेन यानी ओ एफ टी ई एन, यहाँ पर भरेंगे हम टी यानी कैच सी ए टी सी एच, और यहाँ पर भरेंगे हम डी यानी फ्रिज। तो आप जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है इसी प्रकार से आपको भर लेना है। ये हमारा पेज नंबर 70 का हल हो जाएगा, तो 70 तक का हल हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो आगे हमारा यहाँ पर देखने वाले हैं, ये हमारा पेज नंबर 71 है जो हमारा इसका यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी एक के नाम से दिया गया है, यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या लिखा है, लिसन द वर्ड्स केयरफुली एंड राइट देम करेक्टली। तो यहाँ पर थ्री फोर फाइव लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से और इनको अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन करना है। अगर बैक में आपको यहाँ पर थोड़ा नॉइज़ आ रहा हो तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है इसलिए आपको थोड़ा बैक में नॉइज़ यहाँ पर सुनने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको भरना है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ लीजिए पहले, मैं अर्थ करके दिखा दूँ, लिसन द वर्ड्स केयरफुली एंड राइट देम करेक्टली, यहाँ पर वर्डों को सुनना है तीन, यहाँ पर थ्री फोर फाइव लेटर्स। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है एयर आवर आई हैज हिज बर्ड डाउन योर पार्क वाट स्मॉल ग्रीन स्विंग नाइफ और यहाँ पर हाउस। तो इनको हमें सुनते हुए अच्छे से लिखना है, यानी एक से जो आएंगे आपके तो यहाँ पर लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंसर इनका, तो अच्छे से आपको इनको आंसर को नोट डाउन कर लेना जिस प्रकार की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यदि आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा था यहाँ तक का, यानी पेज नंबर 71 तक का हल अभी तक आपने नहीं देखा है पीछे से, तो 53 से लेकर यहाँ तक आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी 71 तक की, तो आप इन पर क्लिक करके पूरा सोल्यूशन एक साथ में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।